दिखाता हूँ आपको जो चालान कट रहे हैं। बन्नू को भी ले जाने का यार, अभी 5:30 होने वाले हैं, टाइम 5 बजे का था और 5 के बज गए 5:30 और अभी तक नहीं आए ड्राइवर साहब हमारे मामा। सो यार देखो 6 बजने वाले हैं और 6:10 में आ जाएगा, 1 घंटा तो पूरा हो गया अपना वेस्ट, बाकी वो आएगा तो तब मैं बताता हूँ उसको कि घंटा कहाँ लगा दिया तूने 5 बजे बोल के। 1.5 घंटे बाद आ रहा है, 5 बजे आऊंगा बड़ा। सॉरी गाइस, मारो गाड़ी, जूते तो क्या हो गए, चल रहे डिग्गी में सामान था तो काय बोला ऊपर चालू करने के लिए चलो सामान में लेके नीचे आते हैं, चलो तुम अंदर और सामान ले आओ, उसके हम लेके आ रहे हैं फटाफट हो जाओ। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा है ना, मतलब अभी पता कौन सा वे है जहाँ से उधर नहीं जाते नेपालपुर, वो वाला वे है पूरा जाने का। मम्मी 1-2 बजे का टाइम तो उठी हुई थी, आप सोने गए थे बहुत, अब 1-2 बजे तक मम्मी वहीं पर ही बाहर नेल पॉलिश लगा रही है, कभी अभी कहीं बैठ रही है, मतलब वीडियो वीडियो का कुछ काम करा तब मैं घर बाहर, लाइट जल रही है बंद हो रही है, लाइट जल रही है बंद हो रही है, कौन है वो के साथ अभी जगह होंगी शायद। द्वारका का भी है यहाँ से, आगे तो पता ही रखना है, मुझे लगा कुछ सोएगा कम से कम, ये 10 बजे सो गया होगा, 2 बजे के टाइम मैसेज कर रहा है मैं, कोई नींद भी नहीं आती मेरे को, जब एक्साइटमेंट किस बात की, क्या होता है कि बीच में नींद आ गई तो फिर है? बीच में नींद आई तो फिर, अरे भाई हम 2 दिन नहीं सोए, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बंदा अभी सो रहा होगा, फिर देखना तेरे मैसेज आ रहा है, वीडियो नहीं डाली तूने तो। भूखे के सामने देर गया, भूखा नहीं खा रहा, देना यार खाना यार, नहीं यार भाई खाना यार, क्यों नहीं खा रहा है ना, 10-10 रोटियां पहनने वाला कह रहा मैं नहीं खा रहा, खाना यार है कहाँ पर, ये देखो पता ही नहीं है, 10 बारी चला लिया पता ही नहीं है, क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत है, वही मैप के भरोसे, मैप के भरोसे चार्ज नहीं होता तब, हमें पता है मैं रात भर गेम खेल रहा था तब भी मेरे को पता ना गाड़ी मिलेगा मेरे से, यार मैं तब से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ पता ही नहीं, पता है मुरादाबाद पहुंचेगी घंटे की, 100 किलोमीटर लिखा हुआ था, 100 किलोमीटर का 1 घंटे ज्यादा आए थे, 2 किलोमीटर तो 2 मिनट के अंदर कहाँ पर, मैं हैंडसम लग रहा हूँ आज, क्या बात, अच्छा वो अच्छा हाँ, ये बंदा फंस गया गलत, ये 3, 4, 5, 6 कितने 6-7 बंदर है उधर, ये बंदरों के लिए गाना बजाएगी, कहा था आपको जो चालान कट रहे हैं, अरे तो टोल टैक्स है, मतलब कौन सी नदी है, गंगा नदी है, हाँ। ये उससे नहीं मिलती क्या, राम गंगा नदी से है, हाँ, ये कोई मान ले, क्योंकि वहाँ की राम गंगा नदी की ना इधर की साइड आती है, इसको भी राम गंगा ही बोलते हैं, गढ़ गंगा, क्योंकि वहाँ के भी राम गंगा की आती है ना नदी, सब गंगा एक ही है, यूपी में आती है, गढ़ गंगा ही हो गई है, काशीपुर शुरू है, वो भी है काशीपुर, यार अभी काशीपुर में पहुंचे 10:30 हो रहे हैं अभी टाइम, 10:30 फोन यार अभी भी 2 किलोमीटर लिखा होगा पक्का, अरे आ गया चलो रामनगर, अब हुआ तब से आना है, 6:22 में निकले थे पूरे पूरे 6 घंटे पूरे 6 घंटे में पहुंचे रामनगर, अब दिखेंगे थोड़े थोड़े करके पहाड़ी सीन देखना, जिप्सी जा रही है किसी सफारी की है ना, जिम कॉर्बेट की थी शायद, जिप्सी तो सबको ही पता है, जिप्सी छोड़ना, अरे मैं उत्तराखंड की कह रहा हूँ, मतलब वहां पर जाने के लिए अगर जिम कॉर्बेट जाना हो, और अपना गांव ये जिम कॉर्बेट भाई, हमसे बड़ा कोई जिम कॉर्बेट वाला बंदा नहीं हो, जाने की जरूरत ही नहीं हमको,
जिम कॉर्बेट में, क्योंकि अपना उधर ही है, छोटे वक्त तो पीछे रह गया। ये जाता है वहाँ यार, ये नाम नहीं याद आ रहा, रेलवे स्टेशन वाला पता। अरे इधर तो एक बार आए थे ध्यान रखो, और जो ग्राउंड है इसमें आए, मेरे पास फोटो भी है यहाँ की, ये जो ग्राउंड है दिख रहा है इसकी फोटो मेरे पास पड़ी हुई है बहुत पहले की, अगर हो सके तो मैं डालूंगा ये वाली फोटो। ये अंकल बहुत साल पुराने से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये दुकानें भी बहुत पुरानी है, जहाँ पर बहुत पहले मैं आया करता था, अरे अपने बस स्टैंड का, बस अब चल रही है, मैं तो काफी बंदे क्या सोच रहे थे कि बसें नहीं चल रही हैं, पर अभी बसें चल रही हैं यहाँ पर सारी, और यहाँ पहले बैठा करते थे सारे, वही ये मेरे सबसे छोटे मामा, कहाँ जा रहे हो भाई, उनसे थोड़े से बड़े और मामा, क्लास चल रही है, मामा लोग क्लास और एक मेरे मामा ही बैठे हैं। सो यार अभी मैं गद्दा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गांव में जरूरत है इसकी, ठंड तो है ही पर जरूरत है इसकी, तो लेके जा रहे हैं। अब ये देखो मामा चिढ़ने वाले, मामा ये लीजिए गाड़ी बीच वाले तो खोलियो, ठीक है हमारे मामा जी कोशिश करेंगे तो दिखाऊंगा आपको, कोशिश जगह तो वैसे है नहीं पर दिखाएंगे, पहले जगह तो बनाओ, ये गद्दे के लिए जगह है नहीं है, हाँ बनाओ बनाओ, हाँ रखो पीछे तो जगह नहीं आने वाली बिल्कुल भी। भैया अपन रेडी हैं जाने के लिए गांव, और मैं जाऊंगा अपने बुआ के घर जा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद जाऊंगा अपने गांव, कम से कम एक दो दिन बाद, तो चलते हैं निकलते हैं, अभी एक बज रहे हैं, अभी फटाफट निकलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए रामनगर से अपने, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रामनगर से अजोली जाने का सफर, दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग का, धीरे धीरे पहाड़ स्टार्ट होंगे यहाँ से, धीरे धीरे मजाक नहीं कर रहा, अभी तक बस से ही गया, इतनी बार भी गया यहाँ से, यहाँ से जब भी गांव के लिए जा रहा हूँ तो बस से गया, आज कार से जा रहा हूँ, तभी मन कर रहा था शायद बीच में रुक भी जाए, ये तो बाइक से भी नहीं गया मैं अभी तक, मैं स्कूटी से, लेकिन इधर ही बीच में मजा आता चलने का, तो जाते हैं यहाँ से। ये गड़जिया मंदिर, यहाँ पर अभी लगाएंगे हमको टिकट, यहाँ पर हमेशा जब भी बसेस जाती हैं, गाड़ी जाती है, हमेशा यहाँ पर ही सामने मतलब टिकट लगा, तो अंदर की साइड है, तो यार तुम्हें दिखाता हूँ गड़जिया माता मंदिर का जो गेट है, क्योंकि अभी वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, पर आपको गेट वहाँ का दिखा देता हूँ, अभी जाऊँगा तो वहाँ की भी बनाऊँगा वीडियो, और रोड देखो इधर, ये दर्शन करने के लिए आए हैं, ये दर्शन करके आ चुके हैं, मैं अभी तक पता गया नहीं हो गर्जे मंदिर नहीं इतने टाइम से, मैं बचपन में गया था गर्जे मंदिर, मैं तो अभी तक नहीं गया, इतना बड़ा हो गया तो मैं बचपन में गया है, गेट तो ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गर्जे माता मंदिर का गेट, यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ से भी जाने का देख सकते हो, जाने का रूट इधर ही की साइड से है, अगर गड़जिया माता मंदिर जाना, काफी बंदे जाते हैं उधर, हम तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट अभी जा ही रहे हैं।